हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल स्नेहा अरविंद कुक बुक में। तो आज हम लोग ना एक बहुत ही फेमस रेसिपी ट्राई करेंगे। आज हम लोग दाल मखनी बनाने वाले हैं। आपको कैप्शन से ही पता चल गया होगा। देखिए, दाल मखनी ना एक बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही मेहनत वाली चीज़ है, लेकिन ये आज की रेसिपी के बाद आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल मखनी बनाएंगे। इंटरनेट पर आज तक आपने इतनी भी रेसिपीज देखी होंगी, ये सबसे सिंपल वाली रेसिपी है, यकीन मानिए। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और अगर पसंद आता है ना तो मेक श्योर ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह के कंटेंट के लिए ना एक बार चैनल पर भी प्लीज़ ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। दाल मखनी के लिए ना हमें कुछ प्रिपरेशंस पहले से ही करके रखनी होती हैं। तो मैंने भी यहाँ पे एक कप होल उड़द की दाल, छिलके वाली दाल है ये, और उसी के साथ में आधा कप राजमा, इन्हें मैंने अच्छे से धोकर ओवरनाइट के लिए पहले से ही भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। क्या होता है ना कि उड़द की दाल को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप सोचते हैं कि 8-10 सीटी लगा देंगे या 1 घंटा पहले भिगो देंगे तो बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए इस दाल को पहले से ही भिगो के रखना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से गल पाए और अच्छे तरीके से फिर घुट पाएगी। तो अच्छे तरीके से मेरी दाल तो गल चुकी है। अब इसको पहले हम धोएंगे और ये सारा एक्स्ट्रा पानी, जो गंदा पानी था, ये निकाल देंगे। और ये देखिए, ये मेरी दाल बहुत अच्छे तरीके से धुल चुकी है। और अब हम चलते हैं इसको बॉईल करने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में पहले हम ना कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है 2 तेज पत्ता नॉर्मल साइज़ के, उसी के साथ में 1 टुकड़ा मैंने डाला है दालचीनी का, साथ ही मैंने 2 छोटी बड़ी इलायची डाली है। ये बहुत ज़रूरी होती है, इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप हरी इलायची 4-5 कर दीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 लौंग भी डाली हैं। सिर्फ इतने ही खड़े मसाले डालेंगे और उसी के साथ में हम हमारे अच्छे से धुली हुई और भीगी हुई दाल डाल देते हैं। और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी डालना होता है, सिर्फ इतना ही पानी डालेंगे कि दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से डूब जाए और उसके 1-1 इंच ऊपर तक पानी आए। आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है। साथ ही मैं हम यहाँ पे 1 टीस्पून का राउंड ना नमक भी डाल देंगे ताकि गलने में थोड़ी सी आसानी हो। और उसके बाद ढक्कन लगाकर कम से कम यहाँ पे 5 से 6 विसल ज़रूर लगाएंगे और उसके बाद सिम पे भी हम 10-5 मिनट के लिए ज़रूर पकाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो ये देखिए, आप दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये दाल ना अभी बहुत अच्छे तरीके से कड़ी हुई नहीं है, मतलब कि मथी हुई नहीं है। दाल अलग है, पानी अलग है, इस तरीके का सीन हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पोटैटो मैशर ले लेंगे इस तरीके का और हल्के हल्के हाथों से ना मैश करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना कि दाल का जो स्टार्च है ना वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे दाल का स्टार्च रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा दाल ऑटोमेटिकली थिक होती चली जाएगी। और उसके बाद फिर हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कड़ने के लिए छोड़ देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लेवल में आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने पहले अच्छे से मथ लिया है, दाल हल्की सी थिक हो गई है। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप के अराउंड गरम पानी। गरम पानी ही डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया कि किसी भी सब्जी में डायरेक्टली ठंडा पानी नहीं डाला जाता है। और अब मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी डायरेक्टली स्लिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दाल बॉयल होगी हरी मिर्च का टेस्ट भी आएगा। और इस तरीके से ढक्कन को सिर्फ ऊपर रखकर और कड़ने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से कम 5 से 10 मिनट तक हम ऐसा करेंगे और गैस हमारी मीडियम टू स्लो पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और बीच बीच में ना इस तरीके से ढक्कन हटाकर देखते रहेंगे कि दाल कहीं हमारी नीचे लगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसी से ही हमारी दाल की कंसिस्टेंसी अच्छी आती है। होटल वगैरह में तो क्या करते हैं कि ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं तो वो दाल कड़ती रहती है और थिक होती चली जाती है, लेकिन हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तब तक हमारा तड़का भी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक गहरा सा पैन लिया है, आप चाहें तो हांडी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग मैंने यहाँ से ऑयल से करी है, 1 टेबल स्पून का राउंड मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें बटर डाला है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप डायरेक्ट बटर डाल देंगे तो बटर के जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा ऑयल के साथ कीजिए और फिर उसमें आप चाहें तो बटर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, बटर के अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून के अराउंड जीरा। तो ये मैं यहाँ पे जीरा डाल देती हूँ, और जीरे को ना हमें जलाना नहीं, अदरवाइज जीरे का जला वाला टेस्ट आएगा। उससे पहले ही हम यहाँ पे डाल देंगे हमारी अनियन, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रेटर से ग्रेट किया है। आप चाहें तो चॉपर का यूज़ कर सकते हैं फाइन चॉप करने के लिए, या फिर ग्राइंडर में ना ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन लंबी लंबी कट्स मत कीजिएगा, क्योंकि दाल मखनी में ना बहुत ज़्यादा प्याज के ग्रैनुअल्स अच्छे नहीं लगते हैं।
तो इसलिए हो सके उतनी छोटी कट करने की कोशिश कीजिए। तो और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे प्याज को भूनेंगे, भूनना बहुत ज़रूरी है। और प्याज के भूनने से साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और साथ ही में लाल मिर्च पाउडर। ये दोनों चीज़ें हम इसी स्टेज पे डालेंगे ताकि कलर बहुत अच्छा आए हमारी दाल का, बाद में नहीं डालेंगे। और अब प्याज को हम थोड़ी देर भूनने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे हमारे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। आप सेम ग्राइंडर में ग्राइंड भी करके पेस्ट बना के या प्योरे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से हम यहाँ पे टमाटरों को गलाएंगे। टमाटरों के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, वैसे तो हम दाल में ऑलरेडी डाल चुके हैं लेकिन थोड़ा सा नमक हम यहाँ पे भी डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। और इसके अलावा हम यहाँ पे अभी कोई मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि दाल मखनी में मसालों का थोड़ा कच्चा फ्लेवर होता है। और अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारी कड़ी हुई दाल डाल देंगे डायरेक्टली। ये देखिए और देख सकते हैं आप दाल हमारी कितने अच्छे तरीके से कट चुकी है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो चुकी है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये देखिए दाल का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया था इसलिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर हमारी दाल का। और अब हम यहाँ पे हमारे मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। तो 2 टेबल स्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, साथ ही मैंने 1 टीस्पून के अराउंड यहाँ पे डाला है अमचूर पाउडर, और अगर हो सके तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून आप भी डालिएगा मैंने डाला है जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हो सके तो आप अगर अदरक के जूलियंस करके यानी कि जिंजर के आप इस तरीके से जूलियंस करके भी डालेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। और नहीं तो फिर आप इस तरीके से मेरी तरह जिंजर पाउडर डाल सकते हैं। लास्ट में कसूरी मेथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दाल मखनी में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। और अब ये दाल मखनी है तो मक्खन तो डालना ही था, साथ ही मैंने फुल 1 टेबल स्पून फुल भर के यहाँ पे मक्खन डाला है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए मसालों को हम दाल के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे, सिर्फ 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद करते हैं हमारी गैस को बंद और लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे क्रीम। तो देखिए ये टेट्रा पैक है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि फुल पैक डाल देना। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि दाल मखनी में जितनी क्रीम डालेंगे उतना टेस्टी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 100 ml क्रीम काफ़ी होती है, इवन मोर देन सफिशियंट होती है 100 ml, तो आप उतनी ही डालिए, हो सके तो उससे कम ही डालिए। और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये देखिए ये हमारी फाइनल दाल मखनी बनके रेडी है। आप देख सकते हैं दाल मखनी की कंसिस्टेंसी। और अब हम इसको फटाफट से हमारे सर्विंग बोल में निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारी दाल मखनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने देखा कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, आसानी से बन जाती है लेकिन इतनी टेस्टी बनती है। आप ज़रूर से इसे अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग से क्रीम को इस तरीके से गार्निश करने की कोशिश करी है, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन भी सर्व करेंगे इस तरीके से, बटर। और ये हमारी दाल मखनी बनके रेडी है। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर से बताइएगा और अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपकी दाल मखनी कैसी बनी। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।